स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि रेलवे की नई वैकेंसी आई है, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तरफ से निकल के आई है। वो भी ये भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है। आप इसमें 10th पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कितने होने वाली है, आपकी इसमें सैलरी कैसे बनेगी और जो आप इसमें अप्लाई कब तक करेंगे, सारी जानकारी जो है इस वीडियो में रहेगी। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस चैनल पे जो है ITI से रिलेटेड और रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब पूरी मैं जानकारी देता हूँ पेपर कटिंग के माध्यम से आपको। ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं पेपर कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है जोधपुर रेल मंडल पर तैनात होंगे स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, जो है 31 स्टेशनों पर जो है स्थायी रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से टिकट एजेंट रहेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ रेलवे के 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के पहल के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की अस्थायी नियुक्ति की प्रारंभ हो गई, यानी कि जो है अस्थायी रहेंगी, वो भी 3 साल के लिए आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3 साल तक जो है आप इसमें जॉब कर सकेंगे। DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की रेलवे की पहल के तहत जोधपुर मंडल के 31 चयनित रेलवे स्टेशन पर जो है यानी कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति की प्रारंभ की गई है, यानी कि अस्थायी रूप से जो है 31 स्टेशनों पर रहेंगे ये टिकट एजेंट। और उसके बाद चयनित एजेंटों को रेलवे स्टेशनों पर कमीशन बेस पर अनारक्षित टिकट काटने, यानी कि अनरिजर्व जो भी टिकट होती है ना उसको काटने के लिए आपको जो है कमीशन बेस पे जो है रखा जाएगा, जिसमें ना सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा अपितु यात्रियों को भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी तथा उन्हें टिकट की सहूलियत मिल जाएगी। यानी कि जो है दिक्कत जैसे आती है ना अनरिजर्व टिकट के लिए, तो इसमें क्या होगा, वो टिकट भी मिल जाएगी और जो है उनका रोजगार भी मिल जाएगा। इस संबंध में जोधपुर मंडल के सीनियर DCM जितेंद्र मीणा ने बताया कि अनारक्षित टिकट काटने के लिए चयनित अभ्यर्थियों का कार्यकाल जो है 3 साल के लिए 3 साल के लिए होगा। इस दौरान उन्हें प्रति यात्री काट के गए टिकट के कमीशन पे मिलेगी, यानी 25% आपका कमीशन रहेगा। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें 3 साल के पहले भी निकाल दिया जाएगा। कार्य संतोषजनक रहने पर सभी वांछित प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगले 3 साल के लिए चयन, यानी कि 3 साल आपने किया आपका जो है कार्य देख के हुए फिर आपको 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो आपके ये स्टेशन रहने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई जो है 25 मई के पहले आप अप्लाई करेंगे। कहाँ जाएंगे, NF यानी कि नॉर्थ जो है उसकी जो है मेन ऑफिस यानी कि कमर्शियल ऑफिस में आपको जाना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म को फिल करना है, जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यानी कि 10th ये सब मैट्रिक पास, ये आपको मार्कशीट चाहिए और फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर जो है आप इसमें कैसे आपका होगा, तो चयन होगा। चयन होने के बाद जो है इसमें जो है जितने भी नियरेस्ट जोधपुर के ये जितने 31 रेलवे स्टेशन दिए हुए हैं, तो इनके जो है नियरेस्ट जितने भी ब्लॉक हैं उसी के जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जोधपुर के जितने ये 31 हैं रेलवे स्टेशन। तो इसमें जो है अदर प्लेस के जो है कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ।